हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं लूँगी कार्ड्स भगवान से, एंजल से गाइडेंस लेके। जो भी कार्ड्स आएंगे उनसे हम पूछेंगे कि वो क्यों आए हैं, और जो भी आंसर निकल कर आएगा मैं आपको बता दूँगी। तो हम पूछ पूछ के ही कार्ड्स लेंगे आज, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। और ऐसा मैं इसलिए करूँगी क्योंकि लास्ट 2 डेज़ से एनर्जी बहुत हैवी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम निकाल पाएँ कार्ड्स के थ्रू, तो इसलिए मैं आज ऐसी रीडिंग करूँगी। और आप लोगों को पसंद भी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। सो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। जय मेरे सरकार, जय मेरे प्रभु, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। मेरी बेटी ने एक बड़ी प्यारी सी ड्राइंग बनाई है और लाके मुझे अभी भी दी है, जस्ट अ सेकेंड मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, अभी अभी बनाई है मेरी बेटी ने, और लड्डू की फ़ोटो बनाई है। सो होप आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। अभी छोटी है लेकिन कोशिश अच्छी करती है। इसने दुर्गा माँ की भी बहुत सुंदर फ़ोटो बनाई है और बहुत क्रिएटिव है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाती है मेरी बेटी। तो टच उड हमेशा ऐसी रहे, मस्त रहे अपनी लाइफ में। तो मैं रीडिंग कर रही थी तभी बीच में लेकर आई, मम्मा मम्मा कैसी बनी है तो मैंने कहा दिखाओ भाई, और सडनली बनाई, मतलब विद इन 15 मिनट्स में ये पेंटिंग बनाई है। बनाई भी है, कलर भी की है 15-20 मिनट्स के अंदर, क्योंकि जब मैं रीडिंग करने आई थी तब उसने स्टार्ट भी नहीं किया था। सो शुरू करते हैं। जय मेरे प्रभु, प्लीज़ गाइड करें किस एनर्जी में हैं। अपने पर्सन का नाम ले लें आप लोग, अपने पर्सन का नाम ले लिया करें, उनके बारे में सोचा करें, क्योंकि उससे आपकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है, वो आप तक ज़्यादा पहुँचेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स विद स्ट्रेंथ कार्ड, हैरोफेंट। कल रात में मैंने एस्ट्रो में जो रीडिंग की थी, एस्ट्रो विद एम सिंह में, उसमें मैंने कहा था कि एनर्जी अभी भी हैवी है, बट थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना चेंज आएगा आने वाले समय में, तो यहाँ आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों इतनी जल्दी में हैं आपके पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पर्सन हड़बड़ी में क्या डिसीजन लेने वाले हैं, शादी का डिसीजन लेने वाले हैं हड़बड़ी में। बहुत ज़्यादा टेलीपैथी कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है इस वक्त, यहाँ से भी शादी की एनर्जी है, बट मैंने क्लैरिफाई किया अगेन वी हैव गॉट द सेम एनर्जी विद द कमिटमेंट कार्ड। बहुत सारे लोगों को एक सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाली है, इसीलिए इसके बाद लवर्स आया है। लवर्स किस लिए आया है एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक एनर्जी है, एनर्जी में शिफ्ट आया है, आपको लेकर पॉजिटिव हुए हैं। ये जो शिफ्ट है ये एक्लिप्स के बाद का शिफ्ट है, क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी तुरंत से वर्क नहीं करती, 10 दिन 20 दिन में आपको उसका असर धीरे धीरे नज़र आएगा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है आप देख सकते हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी है और मैसिव शिफ्ट आया है। और ये जो शिफ्ट है ये कैसा शिफ्ट है, पावरफुल शिफ्ट है, बिकॉज वी हैव गॉट स्ट्रेंथ, लॉयन की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्या बताना चाहती है, स्ट्रेंथ टू फाइट। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ लोग हमला कर रहे हैं इनके ऊपर, इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन होपफुल हैं।
आपके पर्सन होपफुल हैं इस सब प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे पावरफुली। हैरोफेंट यहाँ गया ना, इसको भी क्लैरिफाई करना है। हैरोफेंट क्यों आया है? आपके पर्सन को लोग प्रेरित कर रहे हैं कि ये अपने प्यार की ना सुने, बल्कि ये अपनी फैमिली की सुने और ट्रेडिशनल वे में शादी करें। इनको बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है इनके परिवार के द्वारा कि ये आपसे ब्रेकअप करें और माँ बाप की सुने, भाई बहन की सुने। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि प्रेशर दिया जाता है, दबाव डालने की कोशिश की जाती है, बट आपके पर्सन पर इस दबाव का कोई असर नहीं पड़ रहा। 2 दिन बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है, क्योंकि इंसान सोचता है ना कि हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, हमारे बाद क्या होगा, अगर हमने ये सब छोड़कर आपको अपना लिया तो हमारी फैमिली का क्या होगा। तो बहुत प्रेशराइज था, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज एनर्जी में फील हो रही थी प्रेशर, बट यहाँ पर अभी देखिए रिलीज़ की एनर्जी है। क्या निकल जाएंगे इस सब फियर से बाहर? यस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, क्लैरिटी के साथ कट ऑफ करेंगे किसको, जगलिंग सिचुएशन को। आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी जगलिंग चल रही थी ना, वो रिलीज होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड आया है एंजल्स। क्या मैसेज आने वाला है मेरे व्यूवर्स को? यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सॉलिड यहाँ पर एनर्जी है। पेंटिकल्स मतलब एक स्ट्रांग ग्राउंडेड एनर्जी। तो आपके पर्सन अभी ग्राउंडेड एनर्जी में है। क्या मैसेज करेंगे, बातचीत होगी? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक मेजर चेंज। यस, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा समय दीजिए अपने पर्सन को, थोड़ा सा इंतज़ार करा सकते हैं आपको, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर एक मैसिव शिफ्ट है। बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आया है इतनी हैवी एनर्जी के बाद। तो इस शिफ्ट को क्लेम कीजिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत बहुत हैवी थी। 2 दिन काफ़ी हैवी थी, नेक्स्ट एक्शन भी हैवी, एनर्जी भी हैवी। फाइनली एनर्जी इज़ पॉजिटिव अगेन। हम लेंगे 5 कार्ड्स टू रीचेक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखते हैं, हम लेंगे 5 कार्ड प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रही है, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? देखिए डबल एसेस विद द फूल, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन काफ़ी हैवी एनर्जी से गुजरे हैं, लेकिन अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इस एनर्जी से रिलीज हो जाएंगे, अपनी आत्मा की सुनेंगे, अपनी दिल की सुनेंगे। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। डबल एसेस हैं, न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है, केयर फ्री होकर एक्शन होने वाला है। तो ये मैंने रीचेक किया है, क्योंकि 2 दिन से एनर्जी हैवी थी, तो मैंने एक बार और चेक किया है कि एनर्जी में जो शिफ्ट आया है वो पॉजिटिव शिफ्ट है। कोई ऐसा तो नहीं कि अभी भी कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए या वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन हर्ट अभी तक हैं, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें भूल तो जाएंगे नहीं, ठीक है? कोई मोबाइल की मेमोरी तो है नहीं कि बस चैट डिलीट कर दिया, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर हर्ट तो हैं, सफरिंग अभी भी है, प्लानिंग कर रहे हैं, इमोशनली काफ़ी चीज़ें हैं इनके मन में, दिल में, दिमाग में, बट फिर भी ये स्टैंड लेने की एनर्जी में है, केयर फ्री होकर। तो ये मैंने दोबारा से क्लैरिफाई कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको निश्चिंत रहें आप कि एनर्जी सच में शिफ्ट हुई है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है एंजल्स? सन विद यूनिवर्स, यूनिवर्स की एनर्जी है विद सन। यहाँ पे देखिए 19 और यहाँ 21, यहाँ मदर गाया की एनर्जी है, और यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है ये आपको ये बताने की कोशिश कर रही है कि एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट इस ग्रहण के बाद, सूर्य ग्रहण के बाद एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट, द वर्ल्ड कंप्लीशन की एनर्जी है। जस्टिस यहाँ पर, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, न्याय होने वाला है, न्यू बिगनिंग, 111। विजन, अगर किसी के पर्सन का क्लियर नहीं था, डिस्कनेक्टेड थे, साइलेंट जोन में थे, बात नहीं कर रहे थे, तो इनका विजन क्लियर होगा।
मदर गाया का मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? होप रखिए, आपके पर्सन स्टैंड लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकलने दीजिए, ये जो चेंजेस इनके लाइफ में आ रहे हैं। सेलिब्रेशन आएगा, विजडम, नॉलेज जैसे जैसे गेन करेंगे वैसे वैसे इनकी और इनकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। जिन लोगों की वजह से, जिन प्रॉब्लम्स की वजह से, जिन सिचुएशंस की वजह से ये पीछे हट रहे थे या स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, डर रहे थे, आपको सैक्रिफाइस कर रहे थे, वहाँ पर अब ये स्टैंड लेंगे। एंड वी हैव गॉट हार्मनी, तो यहाँ पे यूनिवर्स को क्लैरिफाई किया है हार्मनी ने। डेफिनेटली एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है इसे क्लेम कीजिए, होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 4। ये जो एनर्जी है ये आने वाले 4 दिन की है, 4 दिन मैक्सिमम, मिनिमम 22 घंटे की, ठीक है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आज के दिन में? कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग्स, कोई मैसेज? कुछ लोगों की मदद कीजिए अगर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काम बन नहीं रहा, बहुत ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, मदद करो। रिमेन पॉजिटिव, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। गणपति बप्पा मोरिया, यस का कार्ड आ गया यहाँ पर, तो हमारे भाई ने आप लोगों को आशीर्वाद दे दिया है। यहाँ पे गणपति जी पर विश्वास रखिए, विघ्नहर्ता आपके विघ्न हर रहे हैं और यहाँ पर आपको यस की वाइब्रेशन दी है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की लाइफ में शुभ दिन आयो रे वाली एनर्जी है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में अच्छे दिन आने वाले हैं, तो फटाफट से क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। मैं जानबूझ के इसको खींचूंगी नहीं, बहुत ही प्यारी एनर्जी है, भगवान करे आप सभी से रेजोनेट कर जाए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।